जब जब चुनाव आ जाता है तब तब ये सस्ता तेल, सस्ता गैस सिलेंडर के नाम पे ये सत्ता में आ जाते हैं, दोबारा फिर लूटने का काम करते हैं। ऐसी लुटेरी फरेबी सरकार को 2024 में जनता सत्ता से बेदखल करेगी। तो भैया वही कह रहे हैं ना, ये ईवीएम के नाम पे इस देश में ढिंढोरा, लेकिन जब जनता इतना बटन दबाए देश के प्रधानमंत्री को, आपकी पता चल जाएगा, बटन देखिएगा आपकी पंजा ना, देश की जनता अपने ही हाथों उस पंजे को दबा दबा के और देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाने का काम करेगी। कमल का फूल देश की सबसे बड़ी भूल कोर्ट मानेंगे। इस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पे लोग, फायदा हुआ है ना मंदिर से, लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। रोजगार मिलने में कौन सा भीख मांगने वाला, कटोरा मिल नहीं रहा है, कटोरा लेंगे वही रोजगार है, पेट नहीं भरेगा क्या? अरे क्या आप भी गदर वाली मूवी देख के आए हैं क्या? सनी देओल वाली गदर देख के आए? गदर मचाए जा रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश का बंटा ढार है, मोदी हटाओ देश बचाओ, देश का प्रधानमंत्री। उन्होंने लद्दाख के लोगों की, लद्दाख की आवाम की उन्होंने आवाज सुनने का काम किया। आप देखिएगा जिस दिन हमारा नेता संसद में बैठेगा और चीन पे आवाज उठाएगा, उस दिन देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाएंगे। राहुल गांधी तो सोशल मीडिया पे अपना फैन फॉलोइंग बटोर रहे हैं लद्दाख जा करके। अच्छा आप बताइए, आजादपुर सब्जी मंडी में कौन जाने का काम किया? देश के उस छोर से और उस छोर तक पदयात्रा करने का कौन काम किया बताइए? जन जन की आवाज, जन जन की मुद्दों को, किसानों को, महिलाओं को कौन आवाज उठाने का काम किया? क्या देश के प्रधानमंत्री ने किया? देश के प्रधानमंत्री ने केवल झूठे वायदे देने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े वायदे किए थे, लेकिन उन वायदों पे इन्होंने खरा उतरने का काम नहीं किया। आज देश की जनता को जरूरत है समझने की, और जनता समझ रही है कि जब जब चुनाव आ जाता है तब तब ये सस्ता तेल, सस्ता गैस सिलेंडर के नाम पे ये सत्ता में आ जाते हैं, दोबारा फिर लूटने का काम करते हैं। ऐसी लुटेरी फरेबी सरकार को 2024 में जनता सत्ता से बेदखल करेगी और इस देश का एक नया और उस देश का एक नई सोच, नई विचारधारा के साथ आने वाला समय जो होगा बहुत ही भारत के लिए गौरवान्वित समय होगा, क्योंकि 9 साल के जो झूठे वायदे थे वो पूरी तरह से नौ साल में जनता बदहाल, मोदी जी खुशहाल, अडानी अंबानी खुशहाल, जनता पर बताइए ईडी और सीबीआई कितना सबसे ज्यादा रेड मारने का काम किया? कौन किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और कौन किया? हाँ? जब भैया अगर आप सवाल उठा लीजिए तो आपके घर छापा पड़ जाएगा। लालू यादव तो हमेशा जो है ईडी के निशाने पे रहते हैं। मैं लालू यादव की पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ ना, मैं इस देश में जनता की आवाज हूँ, जनता की आवाज और जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहा हूँ। वो लालू यादव को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उन नेताओं को जो जो भी विपक्ष की आवाज कर रहा है उन सभी को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में अजीत पवार, जिसके ऊपर तमाम घोटालों के आरोप थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा सेल्फ एक्सेल था उसमें अजीत पवार पूरी तरह धुल गए और वो वहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो बीजेपी केवल डरा के अपनी पार्टी में ला के और उनको पद देना चाहती है और उनका राजनीतिक समय खत्म कर देना चाहती है। ये देश की जनता के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये केवल उन चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं जो सत्ता के मलाई खा के और सत्ता के साथ बैठे हुए हैं। जनता सरोकार नहीं बात कर रहे हैं, इस देश में केवल एक व्यक्ति लड़ रहा है जो इस तानाशाही, इस बड़ी हुकूमत से, वो एक ही नेता है राहुल गांधी। और आने वाला समय जनता पूरी तरह तय करेगी। 2024 का चुनाव फाइनल चुनाव है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश की अस्मिता को बचाना है, इस देश की 2024 में आप लोग किसको देख रहे हैं? 2024 में किसको देख रहे हैं? आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? चांद दिखाई दे रहा है? मोदी जी तो बोल दिया कि हम फिर एक बार। अरे भैया हमारे नेता ने भी बोल दिया है 2024 में गारंटी से मैं भारतीय जनता पार्टी को हरा दूंगा, बोला है ना नेता हमारा मोदी जी। तो अपना कह दें कि हम दोबारा लाल किला, फिर मोदी जी तो चाह रहे हैं कि कल फिर वो तिरंगा झंडा फहरा दे। बीजेपी के सांसद तो कह रहे हैं कि वोट कहीं पे दो जीतेंगे तो हम। तो भैया वही कह रहे हैं ना, ये ईवीएम के नाम पे इस देश में ढिंढोरा, लेकिन जब जनता इतना बटन दबाएगी कि देश के प्रधानमंत्री को, आपकी पता चल जाएगा कि वो बटन देखिएगा आपकी पंजा ना, पूरे देश की जनता अपने ही हाथों उस पंजे को दबा दबा के और देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाने का काम करेगी। कमल का फूल देश की सबसे बड़ी भूल, देश की जनता का पैसा लूट के प्रधानमंत्री ने क्या किया? केवल अपना सूट बूट और अपना अपने पर्सनल जेट से चलने का काम किया।
अब 2024 में जनता ने ठाना है देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है, और आप जैसे पत्रकार चाटू पत्रकार हैं, चाटुकार हैं, मोदी जी के पत्रकार हैं, आप सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, तो वाकई में जन जन की आवाज उठाइए। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के पत्रकार हैं तो आप जाइए संसद भवन में और एक सवाल पूछ लीजिए कि मोदी जी वे चीन पे आपका क्या बयान है, मोदी जी नहीं बताएंगे। इसलिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा देश के लिए होने वाला है। बहुत बहुत कौन बेचने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री ने किया क्या? नहीं किया आए? ये तो कहेंगे मोदी जी ने बहुत विकास किया, मोदी जी का डंका बज रहा है। कौन सा डंका बज रहा है? ये तो अमृत काल नहीं चल रहा है। अरे भैया अमृत काल में तो अमृत की वर्षा होनी चाहिए। पेट्रोल 200 रुपए क्यों महंगा है? अमृत वर्षा हो जाए, पेट्रोल टंकी में अमृत डाल लीजिएगा, पेट्रोल टंकी में अमृत डाल लीजिएगा। और देशों के मुकाबले भारत में महंगाई कम है। और अच्छा, आप पहले कहते थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, अब कह रहे हैं हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रही है मोदी सरकार। अरे भैया कितना झूठ बोलोगे प्रधानमंत्री जी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लूट पे लूट, कितना लूटोगे देश को? ऐसा प्रधानमंत्री पहला बार हुआ है जो जुमलों के नाम पे देश को लूटने का काम किया है। आने वाला जो 2024 का चुनाव है, ये परिणाम है कि वाकई में देश के प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करेगा। आप जैसे अरे फिर मोदी जी का हम किसान के बेटे हैं, हम अन्न उपजाते हैं और खुद खाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी किसान के खेतों में नहीं जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री किसानों के हाल नहीं पूछते हैं। वो इस देश का एक ही नेता है राहुल गांधी, जो जाके जन जन की आवाज बन के जन जन की आवाज की मुद्दों को उठाने का काम करता है। और उसको आपने किस किस नाम से संबोधन किया? जो 6,000 जो सालाना दिया है किसानों को, ये दिया नहीं है? 6,000 किसान सम्मान निधि? हाँ तो दे नहीं रहा किसान सम्मान निधि है। अरे भैया हमारे धान का मूल्य 6 रुपए रखेंगे, किसानों को MSP मिल रही है, डीजल अनुदान दे रहे हैं, डीजल पेट्रोल अनुदान दे रहा है, आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। इस देश में जाइए किसानों की हालत पूछिए, किसान के पेट में जब 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, जिस तरीके से इतनी धूप में आप मेहनत करिए, आपको चलिए हम खेत में ले चलते हैं। वाटर पंप लगवाया है? अरे वाटर पंप लगवाया भैया, मोदी जी ने सब फ्री कर दिया है, सब फ्री किया मोदी जी, बचाने के लिए आए मोदी जी, महंगाई कम करने के लिए आए, देश को बेचने के लिए आए हैं देश के प्रधानमंत्री जी। आप जाइए, मैं भी उत्तर प्रदेश की पावन धरा प्रभु श्री राम की धरती से आता हूँ, लेकिन राम राम कहना पराया माल अपना, वही देश की बात आप कर रहे हो। राम मंदिर का निर्माण जो निर्माण भी है वो मोदी सरकार में हुआ है, मोदी सरकार में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस देश में है ये नहीं है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट है नहीं है, मंदिर के नाम पे कब तक वोट मानेंगे? इस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पे लोग फायदा हुआ है ना मंदिर से, लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है, रोजगार मिलने कौन सा भीख मांगने वाला, कटोरा मिल नहीं रहा है भैया, कटोरा लेके भीख मांगे वही रोजगार है, उससे पेट नहीं भरेगा क्या? अरे भैया नहीं क्या है, आप भी गदर वाली मूवी देख के आए हैं क्या, सनी देओल वाली है, गदर देख के आए, गदर मचाए जा रहे हैं, मोदी है मोदी है मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश का बंटा ढार है, मोदी हटाओ देश बचाओ। इस देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पूरे देश की गरीब जनता गरीब आवाम को लूटने का काम किया है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो जनता की आवाज को उठा के और संसद तक पहुंचाने का काम करे। एक नेता ने लद्दाख पहुंच के पूरे लद्दाख की सच्चाई को उजागर करेगा संसद में, तब पता चलेगा। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं तो चीन को लाल आंख दिखाऊंगा, तब प्रधानमंत्री जी संसद भवन में मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें इनके पास जवाब नहीं होगा। वो एक नेता है जो इस देश की गरीब जनता की आवाज उठाता है, उसका नाम है राहुल गांधी, और आने वाले समय में 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी